चिल्ड्रन, चलो आज मैं आपको एक पोएम सुनाती हूँ। बहुत दिनों बाद आज हम लोग एक पोएम सुनेंगे, तो चलो पहले मैं आपको गाकर सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। पोएम का क्या नाम है? चालाक लोमड़ी। चालाक बोलते हैं क्लेवर को, और लोमड़ी तो आपको मालूम ही होगा, यस लोमड़ी बोलते हैं फॉक्स को। तो चलो पहले मैं पोएम को गाकर सुनाती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी। कौवा आया छीन किसी से रोटी लाया, एक लोमड़ी बड़ी सयानी उसके मुंह में आया पानी। बोली भैया गीत सुनाकर मन बहलाओ, सुनकर वह कौवा हर्षाया, काव काव करके कुछ गाया। गिरी चोंच से उसकी रोटी, ले भागी उसे लोमड़ी मोटी। सबसे पहले आप ये बताओ कि कौवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, कौवा को इंग्लिश में बोलते हैं क्रो, और क्रो जो है वो कहाँ बैठा है? एक पेड़ की डाल पर। और पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, पेड़ को इंग्लिश में ट्री बोलते हैं। तो वो कौवा जो था वो कहाँ बैठा है? पेड़ पे बैठा है, पेड़ की डाल पे बैठा है, और कहीं से वो एक रोटी का टुकड़ा लेकर आता है। देखो उसके मुंह में एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा है ना, जो गिरकर लोमड़ी के मुंह में आ गया है। तो वो जो कौवा था वो कहीं से एक रोटी का टुकड़ा लेकर आता है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है, और सोचा कि चलो मैं बैठकर यहाँ आराम से खाऊंगा। ठीक उसी टाइम उसी समय वहाँ एक लोमड़ी आती है, यानी कि फॉक्स आती है, और वो लोमड़ी बहुत चालाक थी। फॉक्स जो थी ना बहुत चालाक थी, उसने वो रोटी का टुकड़ा देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। कौवा के मुंह में जो रोटी का टुकड़ा देखा ना, उससे उसके मुंह में पानी आ गया, और वो सोचने लगी कि कैसे मैं ये रोटी का टुकड़ा कौवा से ले लूँ, कैसे छीन लूँ। और ये सोचकर वो कुछ सोचने लगी, तभी उसे एक आइडिया आया। उसने कौवा को यानी कि क्रो को बोला कि भैया मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, आप मुझे एक गाना गाकर सुनाओगे क्या? बहुत दिनों से मैंने आपका गाना नहीं सुना, सुना है आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं चाहती हूँ मुझे भी आप गाना सुनाओ और मेरे मन को बहलाओ। गाने का नाम सुनकर कौवा जो है बहुत खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, और कौवा सोचने लगा कि चलो कोई तो है जिसे मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, सब लोग तो बोलते हैं मैं बहुत बुरा गाता हूँ, मेरी आवाज़ बहुत कर्कश है, बट लोमड़ी को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है। ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ, कौन? कौवा। और वो गाने के बारे में सोचने लगा। जैसे ही कौवा ने गाने के लिए अपनी मुंह, आप जब गाना गाते हो तो मुंह से ना गाते हो, तो कौवा जैसे ही अपना मुंह खोलकर गाने की कोशिश करने लगा, गाना गाने लगा, उसकी जो रोटी थी चोंच में यानी कि बीक में, वो छूटकर कहाँ गिर गई? नीचे गिर गई। और वो रोटी का टुकड़ा कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया। और जैसे ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा, लोमड़ी उसे लेकर भाग गई, क्योंकि उसे तो गाना नहीं सुनना था, उसे तो वो रोटी लेनी थी, और उसने अपनी चालाकी से वो रोटी ले लिया। तब कौवा को एहसास हुआ कि मेरी जो रोटी है वो तो नीचे गिर गई, अब मैं क्या खाऊंगा, और वो देखने लगा कि मेरी रोटी जो है वो चालाक लोमड़ी लेकर भाग गई।
और वो बेचारा कौवा जो था अब क्या करता, उसकी तो रोटी चली गई। वो पेड़ पर बैठा उदास हो बैठा कि जो मैंने रोटी लाया वो तो चली गई। तो इस पोएम से आपको क्या सीख मिली, आपको कुछ, आपने कुछ सीखा? हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। आप जैसे हो वैसे अच्छे हो। गॉड ने हमें, हम सबको अलग अलग तरीके से बनाया है और सबको अलग अलग तरीके का गुण दिया है। आप में जो है वो मुझ में नहीं है, मुझ में जो है वो आप में नहीं है। गॉड ने सबको अलग अलग बनाया है और सब में अपनी अपनी खासियत है। ठीक है, आप ये जो पोएम सुना इसे आप लोग याद करोगे, लर्न करोगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे देखोगे और सबको सुनाओगे भी। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।